जोखोपट्टी में दो लड़कियों की मौत का मामला अब जिले से निकलकर प्रदेश स्तर तक जा पहुंचा है। एक तरफ परिजनों का आरोप, दूसरी ओर प्रशासन की ओर से अलग बयान के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने पूरे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी बारीकी से एक एक चीज को जाना और समझा। जिस प्रकार से आपदा राशि जिला प्रशासन की ओर से परिजनों को पोस्टमार्टम से पहले ही दिया गया, इसको पप्पू यादव ने बड़ा मुद्दा मानते हुए इस पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत की ओर भी इशारा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को मंगलवार तक का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर अपराधियों को पकड़ने में असफल रहती है तो वे हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर करेंगे। दोनों बच्ची के दोनों तुमको इका तो बच्ची तो हम नहीं छो हमरा तरफ से राखियो एकरा बकरी ए अरे सर हम राखियो कुछ है तो दुकान दौरी कर ला परिवार ले मजदूरी नहीं करियो ककरो बैठा दियो सब्जी अंडा कुछो के दुकान छोटका मोटका करबो तो इतना पूंजी दे दिलियो ते में तू 300-400 टका दिन कमा सके छो डेली सब्जी के अंडा के बेच के 200-300 टका हेतै तो परिवार धीरे धीरे तो लोकल में कोई धियापुता के लगा देबो तू कतो मजदूरियो करबो तो तोर लाइफ बच्ची के ब्याह में हम 50,000 रुपया हमरा तरफ से। अब सवाल उठे छे न्याय के तो न्याय हमरा पर छोड़। हाँ सर हमको न्याय चाहिए भगवानों ओकरा नहीं बचा सके भरोसा रख ये हर रुपया नहीं देना यही से न्याय कर भरोसा लड़की को कहीं गैंगरेप करके इसको उसको कहीं उन लोगों को कहीं रेप करके तब यहाँ लाके उसको डुबाया। जी जी सर यही सर लोग जाना चाहिए बिल्कुल सर। आदमी जितना ताकतवर हो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप गांव के किसी लोगों से पूछिए सोनवा यहाँ का गुंडा है या नहीं। सर ये कोई बेबुनियादी नहीं हुआ कि सोनू के ऊपर आप डायरेक्ट एग्जाम लगाया जा रहा है, ये सब कोई अति नहीं हुआ।